इनके नाम क्या है? मेरा नाम निकोश। अच्छा, मेरा नाम कोमल है। मिलके बहुत अच्छा लगा। हेलो दोस्तों, पर्न की दुनिया में आपका स्वागत है। मेरा नाम है कोमल और मैं रहती हूँ जर्मनी में, और आज मैं जर्मनी से आपको एक ब्यूटीफुल कंट्री घुमाने लेके जाने वाली हूँ। टाइटल देख के तो आपको पता ही लग गया होगा। हाँ जी, हम जा रहे हैं ग्रीस, और ग्रीस में हम जाने वाले हैं दो ब्यूटीफुल से आइलैंड्स पे, एक है मिकोनोस एंड सेंटोरिनी। तो एक वीक का ये पूरा ट्रिप है। अभी तो मैं हूँ फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पे, गेट्स के यहाँ पे मैं रुकी हूँ। फ्लाइट हमारी यहाँ पे देखो, प्लेन सामने रेडी हो रहा है और जल्दी ही हम हमारी फ्लाइट में एंटर होने वाले हैं एंड पहुँचने वाले हैं ग्रीस के मिकोनोस एयरपोर्ट पे, और फिर मिकोनोस से हम जाने वाले हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल जगह। तो ये वीडियो ज़रूर देखना, आई होप आपको बहुत मज़ा आएगा। और ये मैं पहुंच चुकी हूँ मिकोनोस एयरपोर्ट पे। आपने बाहर से देखा ही होगा कैसे दिखता है मिकोनोस एयरपोर्ट, और अभी मैं हूँ अंदर। और इनफैक्ट ये बहुत छोटा सा ही एयरपोर्ट है, आप पीछे देख सकते हो। दो ही बेल्ट है यहाँ पे जहाँ से आप बैगेजेस कलेक्ट कर सकते हो, और अभी एक दो फ्लाइट्स और आई है तो इसलिए पीछे आप देख सकते हो ज़्यादा भीड़ है बैग सेलेक्ट करने के लिए। वैसे मैं भी बैग सेलेक्ट करके बस बाहर ही निकलने वाली हूँ, और जहाँ पे मैं रह रही हूँ जिस होटल में, वहाँ से पिकअप सर्विस फ्री है। तो वो ड्राइवर बाहर ही खड़े हुए हैं और वो डायरेक्टली हमें होटल लेके जाएंगे। हम कहाँ जाने वाले हैं, क्या क्या करने वाले हैं मिकोनोस में, ये सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो पहले कलेक्ट करते हैं बैग्स एंड चलते हैं होटल की तरफ। और ये सामने खड़े हैं हमारे ड्राइवर, और भी कुछ लोग हैं वो भी आने वाले हैं। ये देखो बाहर के नज़ारे, इतना सारा टूरिस्ट है। ऐसा लग रहा है कि कोविड के दिन खत्म हुए हैं एंड पीपल आर रियली एक्साइटेड फॉर हॉलीडेज। और मैंने होटल में चेक इन कर लिया है, और अभी मैं हूँ अपने रूम के बालकनी में जहाँ से है डायरेक्ट सी व्यू। तो मैं रुक रही हूँ प्लाटी गियालोस जो बीच है वहाँ के एक बहुत प्राइम प्रॉपर्टी में, जो कि है पेटिनोस बीच होटल। मैं क्विकली आपको एक रूम टूर दिखाती हूँ। तो ये है द एग्जीक्यूटिव स्वीट विथ सी व्यू, ये वाला रूम मैंने बुक किया था ऑनलाइन। तो रूम तो वैसे नॉर्मल है, सी व्यू है तो इसलिए बढ़िया है, बट आप सामने देख रहे हो, मतलब यहाँ पे आप सो रहे हो और उसके बाद यहाँ पे ये जो वॉश बेसिन है ये एग्जैक्टली यहाँ पे बाहर है। दैट्स सो फनी, मैंने अब तक कोई भी होटल में ऐसे नहीं देखा था। एंड यहाँ पे अपना नॉर्मल वॉशरूम है, जैसे ये टब है एंड ये पॉट। तो अब मैं आई हूँ होटल की लॉबी एरिया में, बस अभी बाहर निकलेंगे कुछ खाने पीने के लिए। अभी मैं क्विकली बाहर जाने वाली हूँ, उससे पहले दिखाती हूँ यहाँ पे पूल व्यू के साथ अगर आप रूम लेते हो तो कैसे दिखेगा। और अभी बस होटल से बाहर निकलते ही है नीचे ये रेस्टोरेंट, बीन बैग्स रखी हुई है, तो आप बीन बैग्स पे बैठ के भी खाना एंजॉय कर सकते हो। ये तो मैंने कहीं पे पहले किया नहीं है, तो कुछ ऐसा ही अभी एक्सपीरियंस करने वाले हैं। और सनसेट होने ही वाला है और ये साथ में नज़ारे। यहाँ पे ऑर्डर कर दिए हैं कुछ स्टार्टर्स, तो आप ग्रीक जो आते हो तो यहाँ पे आपको बहुत फेमस ये दिख जाएगी चीज़, और वो है पीटा ब्रेड, इसे कहते हैं ज़ाज़ास्की, आई एम नॉट श्योर आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, बट ऐसे ये क्रीमी सॉस है। कुछ ऑलिव्स भी आते हैं इसके साथ, एंजॉय कर सकते हो। ये है चिकन स्टफ विद चीज़ एंड रावियोली पास्ता, एंड दिस इज पेने पास्ता इन टोमेटो सॉस। अभी होटल से बीच टाइल्स ले लिए हैं और जा रहे हैं बीच पे, और ये जो लोकेशन है आपने देखा ही होगा, होटल के जस्ट नीचे है ये बीच। ये देखो सन बेड सारे ऑक्यूपाइड हो गए हैं, ऑलमोस्ट 1 बज रहा है, तो यहाँ पे रिलैक्सिंग है, सारे लोग थोड़ा टाइम पानी में जाते हैं फिर यहाँ पे ऐसे सन बेड्स पे बैठ जाते हैं। और यहाँ मिल गई है बढ़िया जगह, ये सन बेड मिल गया है जस्ट यहाँ पे, अच्छा शेड भी आ जाएगा। और इस जगह का नाम है यालो यालो। नमस्ते। नमस्ते, कैसे हो? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। आपके नाम क्या है? मेरा नाम निकोश। अच्छा, मेरा नाम कोमल है। मिलके बहुत अच्छा लगा। अरे वाह, बहुत बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया। और
तो बीच में पानी के अंदर जाके तो एंजॉय कर लिया, और अभी थोड़ी भूख लगी है तो ऑर्डर कर लिया है कुछ खाने के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ कॉकटेल्स हैं, मॉकटेल है, एंड ये है गिरोस चिकन जो कि एक ग्रीक डिश है। तो इसमें आता है चिकन के पीसेस, कुछ पोटैटो वेजेस, और ये चीज़ की सॉस है जो यहाँ की स्पेशलिटी है, एंड कुछ सैलेड। और आपको इन बीचेस पे अगर सनबेड लेना है तो अभी मई मंथ चल रहा है, तो इनके रेट है कुछ 10 यूरो पर डे के हिसाब से। और अभी मैं आपको क्विकली मेन्यू भी बता देती हूँ। तो ऐसे कुछ इनके मेन्यू आपको ऑलमोस्ट सारी जगहों पे कुछ प्राइस रेंजेस ऐसी ही है। तो ये कॉकटेल के प्राइजेस है विच आर अराउंड 14 यूरोज, क्योंकि ये टूरिस्टिक जगह है तो खाना भी यहाँ पे अच्छे रेस्टोरेंट्स में महंगा है। तो सैलड्स भी अगर आप देखोगे 14-15 यूरो से है, स्नैक्स नॉर्मल दोज आर ऑल्सो अ बिट एक्सपेंसिव कम्पेयर टू बाकी इनके जो आइलैंड्स है। और ये रहा होटल जहाँ पे हम रह रहे हैं, आप सामने देखोगे ये जो बस है ये यहाँ की पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बस है। तो आपको अगर मिकोनोस टाउन जाना है तो ये आप बस ले सकते हो। और ये देखिए आपने, ये यहाँ की मेरे को बहुत क्यूट सी बेकरी दिखी है, मैं अंदर गई नहीं थी, एक बार क्विकली देखते। ये बेकरी तो बहुत ही सही है यार, यहाँ पे इतनी सारी वैरायटी की चीज़ें मिलती है, ड्रिंक्स भी है यहाँ पे अलग अलग तरीके की, एंड ये सारे कुकीज़ है प्लस कुछ ग्रीक स्नैक्स है। एंड सबसे बेस्ट चीज़ मुझे लगी ये देखो, यहाँ पे इनके फ्रिज में मिल रही है मिनी आइसक्रीम जो बस 1 यूरो की है, और यहाँ पे इतने सारे फ्लेवर्स है, प्लस इनके यहाँ पे केक्स भी मिल रहे हैं, मैंने ले लिए है पिस्ताचियो की और चॉकलेट की भी। हम मिकोनोस आए और यहाँ पे कोई पार्टी ना अटेंड करी, ऐसे कैसे हो सकता है। आज है सैटरडे नाइट, तो अगर आप चेक करोगे आपको पता लगेगा यूरोप के जो पार्टी डेस्टिनेशन हैं वो है इबिजा एंड मिकोनोस, यहाँ पे होती है सारी क्रेजी पार्टीज। और ऐसी ही एक जगह पे मैं जाने वाली हूँ जिसका नाम है पैराडाइज बीच, वहाँ पे है एक क्लब जिसका नाम है ट्रॉपिकाना क्लब, तो वहाँ पे होती है सारी क्रेजी पार्टीज। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑप्शन, वैसे तो बहुत जगह है। और आज है दिन की नई सुबह मिकोनोस में, एंड कल की पार्टी तो आपने देखी थी, मैं पहली बार ऐसी कोई पार्टी अटेंड कर रही थी। तो वैसे अभी जहाँ पे हम साउथ में रह रहे हैं, साउथ ऑफ मिकोनोस में पेटिनोस बीच होटल ये जो है, वहाँ से चेकआउट करके अभी निकलना है मेन मिकोनोस टाउन में। तो वहाँ पे आपने देखी होगी बहुत सारी ऐसी पिक्चर्स हमने इंस्टाग्राम पे देखी है जहाँ पे वो वाइट घर है, कॉबलस्टोन स्ट्रीट्स है, तो मेन जाने वाले हैं वहाँ पे एंड एक्सप्लोर करते हैं एक्चुअल मिकोनोस टाउन। हमारा नेक्स्ट होटल लोकेशन जो कि मिकोनोस टाउन के पास होने वाला है, और गाड़ी आई है, जब सामान रख दिया और अभी चलते हैं अपने होटल की तरफ। तो चलते हैं अंदर रूम में, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बैग्स रखी है, और ये रहा रूम। और यहाँ पे आप देखोगे ये मिली है प्रोसेको वाइन, क्योंकि हुई थी एक छोटी गड़बड़, छोटी नहीं बड़ी गड़बड़ इन लोगों से। मैंने जो रूम बुक किया था फैमिली रूम विथ सी व्यू, ये इनके पास अभी अवेलेबल नहीं है, और मैंने इसके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट भी पे करी थी, एंड इनके पास बस ये डबल रूम अवेलेबल है जिसका व्यू ये है, पूल व्यू, डायरेक्ट सी व्यू नहीं है। तो मेरी उनसे वही बात हुई कि मैंने तो ज़्यादा पैसे पे करे हैं और उसके बाद ये वाला रूम आप दे रहे हो, बट ये भी रूम ख़राब नहीं है, तो हमने सोचा चलो ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ पे रह लेते हैं। फैमिली रूम की स्पेस बड़ी थी, बट ये डबल रूम है और पूल व्यू है सामने, और एग्जैक्टली सामने देखोगे तो वहाँ पर है वो विंड मिल्स एंड द मेन टाउन एरिया, ये लिटिल वेनिस एरिया है जहाँ पे हम जाएंगे, इनफैक्ट टाउन एक्सप्लोर करने के लिए भी जाएंगे थोड़ी देर में। और अभी मैं तैयार हो गई हूँ और जाना है अभी जो लिटिल वेनिस जगह है। तो मिकोनोस में एक बहुत बड़ा लैंडमार्क है जहाँ पे है सारे विंड मिल्स एंड लिटिल वेनिस, तो वो जगह लिटिल वेनिस क्यों है आपको वहाँ पे जाने के बाद पता ही लगेगा, बट वैसे भी नाम से पता लग गया होगा कि ये छोटा वर्जन ऑफ वेनिस है, इसलिए इसको लिटिल वेनिस कहते हैं। और सनसेट होने वाला है अराउंड 7:45 और अभी बज रहे हैं 7, तो मैं तो अभी निकल रही हूँ होटल से, और यहाँ से हार्डली 5 मिनट वॉक पे ही है वो जगह। और मैं हूँ अभी मिकोनोस के लिटिल वेनिस एरिया में, क्योंकि ये एक्चुअली मिनी वर्जन ऑफ वेनिस ही है, क्योंकि सारे यहाँ पे लाइन में है छोटी छोटी ऐसी घर और बार जहाँ पे लोग आके खाना खाना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं भी एक रेस्टोरेंट में आई हूँ, खाना ऑर्डर किया है, और इसके बाद देखने मिलने वाला है सामने एक सनसेट का व्यू, वो देखो।
और ये ऑर्डर किए हैं टटस की सॉस, पीटा ब्रेड एंड ये है फ्राइड स्क्विड जो कि एक सी फूड वाली डिश है। और एक चीज ग्रीस में बहुत कॉमन है जो मैंने सुना है और अभी देख भी रही हूँ वो है इतनी सारी कैट्स। ये देखो ये सो रही है, ओ हाउ क्यूट, और उनके लिए देखो पूरा जगह बनाया है ऐसा। और आज है मिकोनोस टाउन में एक नई सुबह, कल की इवनिंग बहुत ही मजेदार थी, नाइस एंड इजी रेस्टोरेंट में गए बट वहाँ पे ज़्यादा कुछ खाया नहीं क्योंकि वहाँ पे मुझे एक्सपीरियंस एज सच अच्छा नहीं लगा। द वे जो वहाँ के लोग हैं होटल ओनर्स या जो स्टाफ है वो जो लोगों को ट्रीट कर रहे थे दैट वाज नॉट समथिंग आई एक्सपेक्टेड, स्पेशली टूरिस्टिक जगह पे। मुझे लगा कि वहाँ पे बड़ा रेसिज्म हो रहा था, जो पानी के पास वाली जगह है सीटें हैं वो खाली थी बट उन्होंने कहा रिजर्व्ड है, बट रिजर्वेशन का भी हमने बोला कि ठीक है रिजर्व्ड है, क्या कॉन्सेप्ट क्या रिजर्वेशन का क्योंकि मैं कल के लिए रिजर्व करना चाहूँगी। तो उन्होंने कहा नहीं यहाँ पे एक एक महीने पहले रिजर्वेशन होती है, तो मैंने बोला ठीक है मैं अगले मंथ के लिए रिजर्व कर देती हूँ। वो तो नहीं ऐसे नहीं होता, मतलब बहुत ही कुछ तो गड़बड़ आंसर दे रहे थे। और उसके बाद बाकी के जो एशियन या यू नो इंडिया से जो हमारे तरह दिखते हैं ऐसे लोग आ रहे थे तो उनको वो जगह नहीं मिल रही थी। बहुत सारे इंडियंस भी वहाँ पे थे, कपल्स थे जो वहाँ पे उस रेस्टोरेंट में भी आए थे, उनको भी उन्होंने जगह नहीं दी, बट जो वेस्टर्न कंट्रीज के थे यूएस के यू नो ऐसे वाले उनको वो जगहें मिल रही थी। और ये मुझे एक्सपीरियंस लगा कि द वे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था आसपास, ऐसे में कोई फील आई बट ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं था, बट ये मेरा ऑनेस्ट मेरा फीडबैक है जो मैंने वहाँ पे ऑब्जर्व किया और मुझे इतनी अच्छी फीलिंग नहीं आई। उसके बाद घूमी मैं गलियों में, बहुत वहाँ पे लाइवली माहौल था, मतलब यहाँ पे मिकोनोस में शॉप्स ओपन होती है रात के 1 से 2 बजे तक, मतलब 1:30 बजे तक 2 बजे तक भी दुकानें मतलब चालू होती है एंड ये बहुत सरप्राइजिंग लगता है स्पेशली अगर आप जर्मनी से ऐसी कंट्रीज में आते हो क्योंकि जर्मनी में सारी दुकानें 8 बजे बंद होती है और कोई माहौल नहीं होता, कुछ नाइट लाइफ नहीं, कोई ऐसे वाइब्रेंट वाली जगह नहीं। ऑन द अदर हैंड मिकोनोस बहुत ही वाइब्रेंट और बहुत ही हैपनिंग लगा मुझे। और वापस जब आ रही थी मैं तब वहाँ पे ऑलरेडी जो 2-3 होटल के लोग हैं उन्होंने कहा कि रात को तूफान आने वाला है, विंड चलने वाले है, तो वो कह रहे थे कि कल जब अगर आओगे तो पूरा जैकेट वैकेट पैक होके आना क्योंकि यहाँ पे बहुत विंडी होने वाला है कल। तो आज है वो दिन, सुबह उठी मैं और बाहर देखा इतनी हवा चल रही है, तो इंटरनेट पे चेक किया कि कितनी हवा चल रही है, तो यहाँ पे विंड चल रहे हैं ऑलमोस्ट 58 किलोमीटर आर के स्पीड पे। थोड़ा 1-2 घंटे में देखते हैं नॉर्मल अगर हुआ तो अच्छी बात है, ओल्ड टाउन में ही जाना है वैसे, उन गलियों में घूमना है, दिन में खाना है आपको भी कि क्या माहौल होता है, रात को तो आपने देख ही लिया होगा। और कल रात को ही इतनी ज्यादा हवा चल रही थी तो अभी बाहर इतनी जोरों की, अब यहाँ पे तो ये सारे जो कुशंस थे वो भी नीचे गिर गए अभी। वैसे हवा अभी भी नहीं रुक रही है, ऑलमोस्ट 2 बज रहे हैं बट फिर भी हवा चल रही है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, बट धूप अच्छी है तो इसलिए सोचा धूप अच्छी है और ये थोड़ा सा होटल ऊंचाई पे है इसलिए ज़्यादा हवा आ रही होगी, बट अंदर की वो जो गलियां है मिकोनोस टाउन की वहाँ पे तो सही हो रहा होगा माहौल, ऐसे लग तो रहा है। तो सोचा चलो बाहर जाके आते हैं हम लोग भी मिकोनोस टाउन, तो विंड चल रही है ठीक है देखी जाएगी, अभी चलते हैं मिकोनोस टाउन एक्सप्लोर करने के लिए। और ये एंटर कर लिया है मैंने टाउन के अंदर और इतनी हवा चल रही है और मैं पूरा ऐसे स्कार्फ ऑफ पहन के आई हूँ, ऐसा लग रहा है अल हबीबी कम टू दुबई ऐसी वाली फीलिंग आ रही है मुझे। और यहाँ से शुरू हो जाता है मिकोनोस टाउन और यहाँ पे बताए कितना क्यूट सा डोमिनोज है, ये देखो वाइट एंड ब्लू खिड़कियाँ है उसकी, बड़ा ही क्यूट लग रहा है। और वैसे ये जो गलियाँ है मिकोनोस टाउन यहाँ पे आप कोई कार या बाइक लेके नहीं आ सकते हो, तभी वहाँ पे गेट बने हुए हैं वो आपको अलाव ही नहीं करेंगे। और अंदर ही ऐसे ATM भी है तो आराम से आप यहाँ से कैश भी निकाल सकते हो, वैसे ये लोग कार्ड पेमेंट भी अलाउ करते हैं। अभी भूख लगी है तो पहले तो कुछ खाते हैं और होटल वालों ने रिकमेंड किया है सौलाक एक स्टोरी, यहाँ पे एक शॉप है बहुत फेमस है, उसके भी बहुत सारे चेन्स है बट वहाँ पे अपना प्रॉपर पूरा ग्रीक फूड जो है वो मील मिल जाता है। यहाँ पे पता किया सौलाक एक स्टोरी में कि क्या इनका मेन्यू है और अच्छा लग रहा है, और उस जो है ना वहाँ पे जो मैनेजर उनको लगा मैं ऐसे बन के आई हूँ क्योंकि हवा बहुत चल रही है, उनको लगा कि मैं मिडिल ईस्टर्न कंट्री से हूँ, तो वो मुझे सारे वो शॉर्मा वाले ऑप्शन से ना वो बता रहे यहाँ पे शॉर्मा मिलता है, ये ग्रीक वर्जन ऑफ शॉर्मा है। मैंने बोला अच्छा अच्छा ठीक है तो चलो अभी अंदर चलते हैं। तो अपने यहाँ पे मुंबई में जैसे वड़ा पाव फेमस है ना, वैसे ग्रीस में सौलाकी या गिरोस फेमस है। तो गिरोस क्या होता है, ये जो शॉर्मा की तरह जो श्रेडेड चिकन होता है उसको कहते हैं गिरोस, और जो सौलाकी है उसमें ये जो ऐसे स्क्यूअर्ड में चिकन आता है ना उसको कहते हैं सौलाकी। एंड इनफैक्ट यहाँ पे वेजिटेरियंस के लिए भी बहुत बड़ा मेन्यू है, ये देखो वेजिटेरियंस के लिए तो ये फलाफल एंड ऑल ये सारा ऑप्शन है,
मीटलेस ऑप्शन है, बर्गर्स है, और ये रहे दो चीज़ें जो मैंने मंगाई है। ले ये लेफ्ट पे है मेगा ग्रीक सोलाकी सैंडविच, तो इसके अंदर जो है चिकन स्क्यूअर्स है और प्याज टमाटर सॉस के साथ, और ये है मिकोनियन, तो यहाँ पे इनके पास ये ऑप्शन था। इसके अंदर रोटी है टोटिया रैप, उसके अंदर चिकन स्क्यूअर है, 8 यूरो में आराम से मिल जाता है। और खा के तो हो गया है, और अभी चलते चलते मैं आगे निकल रही थी और ऑन द वे दिखा चर्च, और मैंने सोचा चर्च दिखाना तो बनता है क्योंकि ग्रीस में बहुत सारे चर्चेस हैं और वो बहुत डिफरेंट भी है। कैसे मैं दिखाती हूँ आपको, मेरे पीछे है सेंट जॉर्ज चर्च जो कि ये मेगनोस टाउन के पास ही है। अंदर जाती हूँ और दिखाती हूँ। हाई एंड डिजाइनर स्टोर्स तो आपने बहुत जगहों पे देखे होंगे, पेरिस तो उसके लिए बहुत ही फेमस है, पर आपको पता है मिकोनोस में एक प्रॉपर स्ट्रीट है पूरी जहाँ पे है सारे क्यूटेस्ट हाई एंड डिजाइनर स्टोर्स, एंड एग्जैक्टली मेरे पीछे आप देख सकते हो एलवी का इतना बड़ा क्यूट सा स्टोर है, और एक जो आगे गली है वहाँ पे तो अभी हम चलेंगे, बट उससे पहले लेट्स गो टू लुई विटॉन। और इतना सही लग रहा है, इतनी छोटी छोटी गलियां, पूरे ऐसे वाइट बिल्डिंग्स और बालकनी इनकी ब्लू और रेड कलर की, और यहाँ पे छोटे छोटे बार से ऐसे क्यूट से, और शॉप्स भी है, सारे हाई एंड शॉप्स भी है और बहुत ही मज़ेदार है। और यहाँ पे एक पीछे ना इंस्टाग्राम वाली एक जगह है जहाँ पे लिखा है उन स्टेयर्स पे आई लव मिकोनोस, तो मैंने बहुत लोगों को देखा है यहाँ पे फोटो खींचते हुए। और ये देखो ऐसे ग्रीस में आपको बहुत सारी गलियों में ऐसी बिल्लियां दिखेंगी, म्याओ कर रही है ये, ओह हाउ क्यूट, और मिकोनोस में डोर्स विंडोज कलरफुल होते हैं, ये तो आपने देख ही लिया रेड ब्लू ग्रीन ऐसे कलर्स के, पर आपको पता है यहाँ पे डोर्स के बाहर कहीं पे भी डोर बेल नहीं दिखी हमें। डोर्स जो होते हैं उनको कुछ ऐसे हैंडल होते हैं, तो अगर दरवाजा खुलवाना होगा तो ये ऐसे कुछ हैंडल्स है, इनको खटखटाना है, कितना डिफरेंट है ये। और आज है आखिरी रात मिकोनोस में, तो यहाँ का प्रॉपर जो टिपिकल ग्रीक खाना है वो कैसे मिस कर सकते हैं। तो अभी मैं एक आई हूँ ग्रीक रेस्टोरेंट में जिसका नाम है मार्को पोलो, जो एक टिपिकल ग्रीक रेस्टोरेंट है, बहुत ही लोकल है, और यहाँ पे आए भी लोकल्स ही है, ज़्यादा टूरिस्टिक नहीं है। तो यहाँ पे जो टिपिकल ग्रीक चीज़ें हैं वो ऑर्डर करी है, ये है सात्सिकी और ये है टिपिकल ग्रीक सैलेड, और भी दो डिशेस आने वाली है, खाना भी आ गया है, ये है मेन कोर्स, और ये मैंने मंगाया है फिश सूप, एंड ये है फिश प्लेटर जो कि फिश फिलेट प्रॉन्स एंड ऑक्टोपस एंड स्क्विड ऐसे कुछ फिश की वैरायटी है। और एक ऑनेस्ट चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, मैं इतने टाइम से हूँ ग्रीस में, इतने सारे रेस्टोरेंट्स ट्राई करे हैं, अलग अलग तरीके का खाना ट्राई किया है, बट मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, यहाँ पे जो खाना हमने खाया और यहाँ पे जो टेस्ट थी, आई वुड से ये अब तक का बेस्ट एक्सपीरियंस था, बेस्ट फ्रेश खाना और जो तरीके की हॉस्पिटैलिटी थी इनकी, ये अनबिलीवेबल। और ये उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री सच अ स्वीट जेस्चर, इन्होंने पैनाकोटा हमें कहा कि लाइक वी लव योर रिव्यू, और हमें अच्छा लगा आपको कि खाना अच्छा लगा, तो हमारी तरफ से ये आपके लिए। तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड ये रेस्टोरेंट, आप ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही फ्रेश खाना और बहुत ही लोकल खाना आपको टेस्ट यहाँ पर मिलेगी। वहाँ पे है बहुत सारे बार्स एंड पार्टी ऑप्शंस, अभी रात के 1:27 ऑलमोस्ट 1:30 बजने आ रहे हैं, और यहाँ पे जो माहौल है वो पार्टी का एकदम क्रेजी है। अभी भी पार्टियां चल रही है, ऑलमोस्ट अभी कितना हो रहा है 3:30 होने आ रहे हैं, और अभी भी फुल और माहौल है। मैं तो वापस जा रही हूँ होटल, और मैंने सुना है इन लोगों से कि समर टाइम में जब यहाँ पे ज़्यादा भीड़ आ जाती है, सारा क्राउड आ जाता है,
तब तो यहाँ पे सुबह ऑलमोस्ट 6:30-7 बजे तक पार्टियाँ चलती है, सही है। तो वही है, अगर पार्टी आपको करनी है तो यूरोप का इबिजा और मिकोनोस ये यहाँ के टॉप पार्टी डेस्टिनेशन से। चलो अभी तो घर चलते, नींद आ रही है। और आज है आखिरी दिन मिकोनोस में, और इसके बाद मुझे निकलना है हमारी अगली डेस्टिनेशन जो कि है सेंटोरिनी। तो अभी तो कुछ टाइम है सेंटोरिनी निकलने के लिए, क्योंकि मैं जाने वाली हूँ शिप से सेंटोरिनी, और उसके लिए हमारे पास है और 2-3 घंटे। मैं जाने वाली हूँ कोरा, कोरा मतलब ये जो मिकोनोस टाउन को ये लोग CHORA जो कोरा कहते हैं, वहाँ जाने वाली हूँ। थोड़ा सा शॉपिंग वगैरह कर लेते हैं एंड उसके बाद निकलेंगे पोर्ट के लिए। मिकोनोस एक्सप्लोर करने का सबसे सही ऑप्शन होता है ये ATV बाइक्स, या फिर आप नॉर्मल जो बाइक्स होती है वो भी रेंट कर सकते हो, या फिर आप कार भी रेंट कर सकते हो। मैंने तो जनरली यहाँ पे जितने टाइम भी मैं थी साउथ ऑफ मिकोनोस या फिर अभी मेन सिटी में, वहाँ पे मेरे होटल के लोकेशन ही ऐसे थे जो कि हार्डली 5-10 मिनट वॉकिंग थे, तो मुझे ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ी क्वाड बाइक रेंट करने के लिए या फिर बाइक या कार रेंट करने के लिए। बट यहाँ पे बहुत सारे लोग ये ऐसी ATV जो होती है यहाँ पे रखी हुई ऐसी रेंट करते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपको बाइक या कार रेंट करनी पड़ेगी, यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बहुत अच्छा है, और समर टाइम में तो यहाँ पे बहुत सारे बसेस के ऑप्शंस भी होते हैं, ऐसे यहाँ पे टाइम लगा रहता है एंड इनकी टिकट भी रीजनेबल होती है। तो ये अलग अलग ये देखो बीचेस के लिए भी जाती है बसेस यहाँ पे एंड टिकट कुछ 2.5 यूरो या 3 यूरो ऐसे कुछ है। और प्लस दूसरी एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी यहाँ पे है, वो है वाटर टैक्सी। तो अभी जब ये जून जुलाई मंथ स्टार्ट होगा ना, तो यहाँ पे वाटर टैक्सी चलती है, तो आप अलग अलग बीचेस को भी ये हॉप ऑन हॉप ऑफ वाटर टैक्सी पे जा सकते हो। और मिकोनोस टाउन में मुझे यहाँ पे बहुत भीड़ लगी, तो सोचा कि यहाँ पे सब लोग क्यों रुके हैं। तो बेसिकली ये जो पीछे है ये यहाँ की स्कूल है, और सारे पेरेंट्स रुके हैं बच्चों को पिक करने के लिए। वो देखो, और मिकोनोस अगर आप आते हो तो एक शॉप जो आपने आनी है वो है ये। यहाँ पे इतना अच्छा सामान मिलता है, प्लस जो यहाँ के शॉपकीपर है इतने फ्रेंडली है, मैं कम से कम 15-20 मिनट से इनके साथ गप्पे मार रही थी। हेलो, हाय, कालीमेरा, गुड मॉर्निंग, मीन दैट वन इन ग्रीक लैंग्वेजेस, थैंक यू टू कम इन माय स्टोर, आई एम सो हैप्पी, माय नेम इज जॉर्ज एंड I would want you to know that this is the shop which has everything what you would need, and the main person is this guy who is so happy and so warm when you come to the store. He will make you feel welcome, and I meet the best person here so far, and I'm so happy too. Thank you, I appreciate it, and yeah. Thank you to come in my store, and nice to talk with you. Thank you so much. We already did shopping from the store as well. We already have things, and the best part is apart from shopping, we connected so well, and I'm so happy that I got to meet him, and the friendliness, loved it. और पीछे ये जो हैशटैग हैप्पीनेस है, ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस इंस्टाग्राम स्पॉट है मिकोनोस का। प्लस मुझे बहुत ही सही वाइब लगी मिकोनोस टाउन की, इतने सारे शॉपिंग के भी ऑप्शंस है, एंड द बेस्ट थिंग इज कि वो ईविल आए या फिर गुड लक सिंबल के जो ब्रेसलेट्स होते हैं या चार्म्स होते हैं वो भी बहुत सारे हैं यहाँ पे। इतनी कन्फ्यूजन हो जाती है कि कौन से वाला लेना है, क्योंकि सारे इतने सुंदर है और इतनी वैरायटी है। तो रहा सारा सामान का टॉपिक कि क्या अवेलेबल है क्या नहीं, बेस्ट पार्ट जो सो फार मुझे ग्रीस में लगी है वो है लोग। मतलब आप कोई भी शॉप में जाओ, यहाँ पे ये लोग आपको ग्रीट करेंगे, उसके बाद आप सामान लो नहीं लो, वो इतने अच्छे से आपको ट्रीट करते हैं, कहते हैं कि ओके हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर स्टे इन ग्रीस। तो इतना हैप्पी फील होता है लोगों को देख के। और ये शॉप है बैग्स की, जहाँ पे बहुत ही सही वैरायटी दिखी मुझे। वैसे तो बहुत सारे शॉप्स हैं, बट यहाँ पे बहुत अलग अलग वैरायटी के हैं, मतलब जूट बैग से लेके पूरा हैंडमेड जो होती है वो बैग्स है, और अलग अलग शेप्स के हैं, साइज़ के हैं। जस्ट मैंने अभी यहाँ पे एक बैग खरीद ली है इन्हीं की शॉप से, जो कुछ इस कैटेगरी में थी, जो स्लिंग बैग की तरह भी यूज कर सकते हैं, प्लस पार्टी के लिए भी। एंड नाउ इट्स टाइम टू हेड टू आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो है सैंटोरिनी। बट आई होप आपको ये मिकोनोस का व्लॉग इंटरेस्टिंग लगा होगा, आपको आपकी ट्रिप प्लान करनी है तो उसमें भी बड़ा हेल्पफुल होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने शेयर करी है अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से वो अच्छी लगी है, तो उसे लाइक करना, इसे और भी लोगों के साथ शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो यार, इतना मैं वीडियोस बना रही हूँ, इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ, ताकि आगे की जो वीडियोस आएगी आपके लिए, मतलब ट्रैवल रिलेटेड, जॉब, स्टडी
जर्मनी इन्फॉर्मेशन वो सारी जब अपलोड होगी तो आपको भी नोटिफिकेशन आ जाएगा. एंड मेरे लिए भी एक एनकरेजमेंट होगा कि आप सब्सक्राइब आपने किया हुआ है एंड आप वेट कर रहे हो वीडियोस का, दैट इट गिव्स मी मोर मोटिवेशन. और अब हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में. अंटिल देन, ऑफ यू डिज़ाइन.